Hello everyone, welcome to the Savera classes. In this video, I will discuss about types of automation. In my previous video, I have discussed about what is automation, need and benefit of automation and element of automation. तो चलिए start करते हैं types of automation. ये तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड ऑटोमेशन, सेकंड इज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन. हम तीनों के बारे में डिस्कस से पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं बेसिक. क्या होता है फिक्स्ड ऑटोमेशन? यह एक ऐसा ऑटोमेशन है जिसमें ऑपरेशन के सीक्वेंस को फिक्स करते हैं. फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें चेंज नहीं कर सकते, जो इसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है उसको इसमें चेंज नहीं कर सकते, कोई इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन. सेकंड आता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन. इसमें क्या होता है कि इस ऑटोमेशन में प्रोडक्शन इक्विपमेंट का डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि जब डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाना पड़े, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बनाना पड़े, तब इसके ऑपरेशन का सीक्वेंस को चेंज करने की कैपेबिलिटी हो. मीन्स इसके जो ऑपरेशन का सीक्वेंस है इसको हम चेंज कर सकते हैं. और थर्ड है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन. यह ऑटोमेटेड सिस्टम डिफरेंट टाइप के पार्ट्स या प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने में कैपेबल होता है और इसमें किसी भी तरह का प्रोडक्शन टाइम में लॉस नहीं होता है. प्रोडक्शन टाइम में लॉस का मतलब क्या हुआ कि जब कोई अदर टाइप का पार्ट या प्रोडक्ट बनाना हो तब इसके रीप्रोग्रामिंग और फिजिकल सेटअप बहुत ही इजी वे में हो जाता है. फिजिकल सेटअप मतलब क्या हुआ कि टूल चेंज करना, फिक्सर लगाना, ये सब मशीन सेट करना, यह क्या इस समय टाइम नहीं लगता है. तो चलिए अब देखते हैं डिटेल वाइज अच्छे से. फर्स्ट नंबर है फिक्स्ड ऑटोमेशन. It is also called hard automation. Hard automation. इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं hard automation. Fixed automation is a system in which sequence of processing operation is fixed by the equipment configuration. यानी कि इसमें इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जब हम प्रोसेसिंग ऑपरेशन के सीक्वेंस को फिक्स करते हैं तब इस प्रकार के मशीन या सिस्टम को फिक्स्ड ऑटोमेशन कहते हैं. दिस टाइप ऑफ मशीन और सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस मशीन. स्पेशल
पर्पस मशीन, कहने का मतलब कि जहाँ पर चीज़ें फिक्स हो, ऑपरेशन जो मेरा है उसका सीक्वेंस जो है वो क्या है, फिक्स हो, मीन्स वो केवल एक स्पेशल टाइप का ही प्रोडक्ट बनाएगा, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस मशीन। अब देखते हैं कि इसका फीचर क्या है। द टिपिकल फीचर ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेशन, चलते हैं देखते हैं पॉइंट वाइज में। फर्स्ट वन है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कस्टम इंजीनियर्ड इक्विपमेंट, यानी कि इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमाइज किया जाता है पर्टिकुलर इक्विपमेंट बनाने के लिए, इसलिए इसका इनिशियल जो कॉस्ट है वो हाई रहता है। सेकंड है इसका इसका जो प्रोडक्शन रेट है, हाई प्रोडक्शन रेट, इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो क्या होता है, हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि ये फिक्स्ड है किसके लिए करना है, हमें इसका सीक्वेंस जो है ऑपरेशन का वो भी फिक्स्ड है, तो इसका काम ही है कि एक बार प्रोग्राम कर दिए और वही प्रोग्राम बार बार रन कर रहा है और प्रोडक्ट बार बार निकाल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं इसका यूज करते कहाँ पर, जहाँ मेरा मास प्रोडक्शन करना हो। मास प्रोडक्शन मीन्स जहाँ बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में एक ही प्रोडक्ट को बार बार बनाया जाए, उसे बोलते हैं मास प्रोडक्शन। सॉरी दिख नहीं रहा था। सेकंड क्या था, हाई प्रोडक्शन रेट, ये होता है मास प्रोडक्शन के लिए, जहाँ कल एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं और वो इसलिए उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। थर्ड नंबर देखिए इसका रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल इन एकोमोडेशन एकोमोडेटिंग, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, एकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंजेज, कहने का मतलब कि इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है बिल्कुल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है ये। क्या है? इनफ्लेक्सिबल, ये फिक्स्ड है कि इसका अगर प्रोडक्ट चेंज करना हो तो वो उसमें एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, ये रिजिड है। जैसे एग्जांपल स्पेशल पर्पस मशीन, वैसा मशीन जो किसी खास पर्पस के लिए मेजर किया गया हो, बनाया गया हो, उसमें ये आता है कौन सा, फिक्स्ड ऑटोमेशन। अब सेकंड देखते हैं, चलिए इसके देखने से पहले और थोड़ा सा इसमें डिटेल जान लेते हैं कि ये फिजिबल कब है, फिक्स्ड जो ऑटोमेशन है ये फिजिबल कब है। तो अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पाया गया है कि अगर प्रोडक्ट का डिमांड रेट और वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रोडक्ट का डिमांड रेट और वॉल्यूम ज़्यादा है, तभी यह फिजिबल है, क्योंकि मशीन का इनिशियल कॉस्ट हाई होता है और जब लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है तो इसका पर यूनिट मेकिंग कॉस्ट जो है मेरा, पर यूनिट मेकिंग कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस तरह ओवरऑल जो है, इस तरह ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है, इसका ये फायदा है। अब देखते हैं हम सेकंड टाइप, सेकंड कौन सा है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन।
इन दिस ऑटोमेशन द प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज डिजाइंड विथ द कैपेबिलिटी ऑफ चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू एकोमोडेट डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। कहने के मतलब कि इस ऑटोमेशन में प्रोडक्शन इक्विपमेंट का डिजाइन इस तरह किया जाता है कि जब डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट जो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाना हो तब इसमें जो इसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द ऑपरेशन सीक्वेंस इज कंट्रोल्ड बाय अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के द्वारा इसका जो ऑपरेशन का सीक्वेंस है वो कंट्रोल किया जाता है। आगे देखते हैं, न्यू प्रोग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड एंड इंटर्ड इंटू द कहाँ पर, इक्विपमेंट में, इंटू द इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि नए प्रोग्राम को प्रिपेयर करके इस सिस्टम में डालने पर न्यू प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। चलिए देखते हैं इसका फीचर क्या है। द फीचर ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, फर्स्ट इसका है हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पस मशीन। देखिए फिक्स्ड वाले में क्या था कि वहाँ पर कस्टम था या स्पेशल था कह सकते हैं, यहाँ पर क्या है जनरल है, मतलब कि हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका भी जो कॉस्ट है क्या है, हाई है। इसमें प्रोग्राम तो चेंज कर सकते हैं लेकिन इसका भी कॉस्ट हाई है। ठीक, सेकंड जो है मोस्ट सूटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन। कहने का मतलब कि ये बैच प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होता है। अब बैच प्रोडक्शन क्या है, बैच प्रोडक्शन मीन्स कि एक निश्चित एक फिक्स्ड नंबर साइज जो है उसको बोलते हैं बैच। मान लीजिए कि हमें 100 क्वांटिटी का, 200 का, 150 का, एक फिक्स्ड क्वांटिटी का हमें प्रोडक्शन करना, उसे बोलते हैं बैच प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या होता है कि बहुत सारे क्वांटिटी उसमें होते हैं, बैच में एक फिक्स क्वांटिटी होता है। तो जब भी हमें बैच प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए क्या होता है, ये सूटेबल होता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक न्यू बैच के लिए प्रोडक्शन के लिए न्यू प्रोडक्ट कौन सा, मान लीजिए कि एक बैच में 100 था, अभी ये बैच खत्म हो गया, अगला बैच आया, अभी मान लीजिए साफ्ट था, ये अभी बना रहे थे हम, साफ्ट कैसा साफ्ट था, सॉलिड साफ्ट, एक बैच खत्म हो गया, नेक्स्ट आ गया कौन सा मेरा, हॉलो साफ्ट, अगला मेरा बैच क्या हो गया, हॉलो साफ्ट का।
तब क्या करना होगा, हमें प्रोग्राम चेंज करना होगा। तो एक बैच निकलने के बाद दूसरे बैच के लिए जब प्रोग्राम चेंज करते हैं तो उसमें हमको दो काम करना पड़ता है। एक तो हमको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है, और जो दूसरा है वो क्या है, हमको फिजिकल सेटअप करना पड़ता है, फिजिकल सेटअप। फिजिकल सेटअप में क्या क्या आ जाएगा, टूल चेंज करना, फिक्सचर को लगाना कहाँ पर, मशीन टेबल पर, और तीसरा क्या है, मशीन सेटिंग करना, मशीन का सेटिंग करना। ये सब किस में आ जाएगा, फिजिकल सेटअप में आ जाएगा। तो जब जब हमको बैच चेंज करेंगे, एक बैच से दूसरे बैच, दूसरे से तीसरे बैच, तब तक हमें क्या करना होगा, एक तो करना होगा हमको रीप्रोग्रामिंग, उसके अनुसार जो बनाना है मुझे, पहले सॉलिड सॉफ्ट था अब होलो सॉफ्ट आ गया, कल को बियरिंग आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। और दूसरा क्या करें, उसके अकॉर्डिंग हमको फिजिकल सेटअप करना है, उस टूल चेंज करना है, फिक्सचर यूज करना है, उसके अनुसार जैसा वर्कपीस मेरा लगेगा वहाँ पर मशीन का सेटिंग चेंज करना है। तो इस समय क्या होता है, टाइम लगता है, ये सब चेंज करने में क्या लगता है, टाइम का लॉस होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, लो प्रोडक्शन रेट, लो प्रोडक्शन रेट रिलेटिव टू किसके, फिक्स्ड ऑटोमेशन के। क्यों हुआ, क्योंकि हमें इस समय टाइम लग गया, टाइम का लॉस हो गया, तो मेरा प्रोडक्शन क्या होगा, लो हो गया, किससे, फिक्स्ड वाले से। एक और है फ्लेक्सिबिलिटी टू, सॉरी दिख नहीं रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विथ चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्फिगरेशन। हमने यहां देख लिया कि अगर प्रोडक्ट चेंज करना, चेंज हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। इस तरह मेरा ये सेकंड टाइप खत्म हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड टाइप। थर्ड टाइप कौन सा है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। चलिए इसको देखते हैं क्या है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ किसका, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ये क्या है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एडवांस फॉर्म है। चलिए देखते हैं इसमें और थोड़ा डिटेल में। आप फ्लेक्सिबल ऑटोमेटेड सिस्टम इज वन दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विथ वर्चुअली नो टाइम लॉस्ट। कब, फॉर चेंज ओवर फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन जो है ये प्रोग्रामेबल का एडवांस रूप है। यह ऑटोमेटेड सिस्टम अलग अलग पार्ट्स या प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में कैपेबल होता है। अलग अलग पार्ट्स और प्रोडक्ट्स को ये, इसका बस वैरायटी है, और विदाउट टाइम लॉस के एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। मतलब कि बिना टाइम का लॉस लिए, कैसे,
हमने देखा था पिछले वाले में, उसमें क्या था कि जब हम एक बैच से दूसरे बैच में जाते थे तो हमें टूल सेटिंग करना पड़ता था, उसके अलावा फिक्सचर सेट करना पड़ता था, रीप्रोग्राम करना पड़ता था, तो मेरा उस टाइम मशीन बंद रहता था तो मेरा काम नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो रीप्रोग्रामिंग और जो फिजिकल सेटअप है ये ऑटोमेटिक होता है, या इस तरह इसका कम्बिनेशन है कि एक पहला बैच निकला और दूसरा बैच तैयार है, मतलब कि हमें मशीन को रोकना नहीं, ऑटोमेटिक है, खुद टूल चेंज करता है इसका, जो फिजिकल सेटिंग है ये मशीन अपने आप करता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। रीप्रोग्राम जो है, प्रोग्राम पहले डाला हुआ है, उसे पता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो इसमें रीप्रोग्रामिंग भी उसमें देर नहीं लगता है। इसीलिए बोला कि उसके एडवांस फॉर्म है, क्योंकि वहाँ पर ये मैनुअल करना पड़ता था, यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक कर रहा है, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर टाइम लॉस नहीं हो रहा है, मेरा मशीन रुक नहीं रहा है, तो मेरा तो क्या होगा, फायदा क्या है कि उससे अधिक मेरा इसका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो देख लिख लेते हैं इसको अच्छे से। देयर इज नो प्रोडक्शन टाइम लॉस्ट व्हाइल रीप्रोग्रामिंग द सिस्टम एंड अल्टरिंग द फिजिकल सेटअप। मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ समझने के लिए अच्छे से, क्या क्या आएगा इसमें, टूलिंग आएगा, फिक्सचर्स आएगा, और क्या आएगा, मशीन सेटिंग, ये सब अपने आप कर लेता है ये। इसका देखते हैं फीचर क्या है। द फीचर ऑफ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, फर्स्ट हाई इन्वेस्टमेंट, इसमें भी होगा ही चूंकि सब कुछ प्रोग्रामेबल है तो इसका कॉस्ट भी अधिक होगा। सेकंड क्या है इसका, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब यहाँ जब बताया था कि कोई टाइम लॉस नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, उसके चलते क्या होगा कि कंटिन्यूअस इसका प्रोडक्शन होगा। कैसा, कि तरह तरह के प्रोडक्ट लिए, वेरिएबल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, कैसा भी प्रोडक्ट हो बिना रुके काम करता रहेगा। अगला क्या इसका है, मीडियम प्रोडक्शन रेट। मीडियम का मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रोडक्शन रेट है प्रोग्रामेबल से अधिक होगा लेकिन फिक्स से कम होगा। फिक्स से कम क्या होगा कि फिक्स्ड में एक बार सेटिंग कर दिए तो कंटिन्यूस चल रहा हो, इसमें हमको बार बार चेंज हो रहा है इसलिए उसे कम होगा, लेकिन प्रोग्रामेबल से इसका अधिक होगा क्योंकि अपने आप ये सेटिंग कर रहा है। एक और है लास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विथ प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएशन। इतना लोग देख ही चुके हैं कि इसमें ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि कोई भी डिजाइन का वेरिएशन करना हो प्रोडक्ट में वो आसानी से कर लेगा और बिना रुके काम करते रहेगा, प्रोग्राम कर देंगे और चलते रहेगा। ठीक है, हम एक रिलेटिव चार्ट देख लेते हैं और थोड़ा समझ में आ जाएगा उस अच्छे से। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से कहने का मतलब सभी टाइप का है, जितना हम तीनों टाइप पढ़े ऑल टाइप, हम एक ग्राफ में देखते हैं इसे, नीचे ले लेते हैं, दिख रहा है ना, हाँ
नीचे क्या है? प्रोडक्शन वॉल्यूम। नीचे ग्राफ में क्या देखेंगे हम लोग? प्रोडक्शन वॉल्यूम। और इधर क्या देखेंगे? प्रोडक्ट वैरायटी। प्रोडक्ट वैरायटी एक साइड रखेंगे प्रोडक्ट के वैरायटी को और एक साइड रखेंगे प्रोडक्ट के वॉल्यूम को। तो जो मैं फिक्स्ड ऑटोमेशन है वहाँ क्या था? वहाँ वॉल्यूम अधिक था और वैरायटी कम था। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ लो कर लिए, ये मीडियम हो गया, ये हाई हो गया इस एक्सिस पर। इसके लिए भी देख लीजिए, ये लो हो गया, ये मीडियम हो गया और ये हाई हो गया। तो फिक्स्ड में क्या था कि मेरा प्रोडक्शन अधिक था और वेरिएशन सबसे कम था। तो मतलब कि प्रोडक्शन अधिक इधर हाई और ये लो, मतलब इधर के आसपास होगा। दूसरा क्या था? प्रोग्रामेबल। इसमें मेरा क्या था? वेरिएशन अधिक था, लेकिन इसका जो टूल चेंज करने में, प्रोग्राम लिखने में टाइम लगता था चेंज करने में, तो इसलिए इसका क्या था? प्रोडक्शन वॉल्यूम कम था। वैरायटी ये कहाँ आएगा? इधर आएगा। अगर इसे हम ग्राफ से ऐसे रफली ड्रॉ करते हैं तो यहाँ कौन सा आ गया? यहाँ पर क्या था? फिक्स्ड ऑटोमेशन। यहाँ कौन आ गया? प्रोग्रामेबल। ऑटोमेशन। और बीच में आएगा कौन सा? फ्लेक्सिबल। ऑटोमेशन। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है इससे अधिक है और इससे कम है, तो बीच में आ गई है। अगर हम बात करें मैनुअल मशीन का, ये तो होगा ऑटोमेशन मशीन था, ऑटोमेटिक मशीन था। तो उसका जो ग्राफ देखेंगे इस टाइप का होगा उसका। ये क्या है? इसका मैनुअल मेथड का, जो मतलब कन्वेंशनल मेथड में रहा है उससे करेंगे हम, तो उसका वॉल्यूम और प्रोडक्शन का रेशियो ये होगा, ऑटोमेशन वाला ये होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।